हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज में। यार, अगर आप एक सैमसंग लवर हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि सैमसंग जो है एक मिड रेंज का स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्द। चुपके से यहाँ पे जो है एक लॉन्च होने वाला है दोस्तों। सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। यार पूरी देखिएगा वीडियो, अगर अच्छी लगे तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के आने वाले मिड रेंज स्मार्टफोन की, जिसका नाम है दोस्तों सैमसंग M31। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये है दोस्तों M31, जो कि M30 का जो है सक्सेसर बन के आएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, ये जो सैमसंग ने M सीरीज निकाली थी, मिलेनियल सीरीज, वो स्पेशली इसीलिए निकाली थी ताकि आपको जो है अच्छी स्पेसिफिकेशंस में जो है अच्छे प्राइस पॉइंट पे सैमसंग के फोन जो है वो मिल सके। क्योंकि आपको पता है सैमसंग के जो फोन है स्पेसिफिकेशंस तो अच्छी होती थी, बट प्राइस भी जो है वो बहुत ज्यादा होता था, इसलिए ये M सीरीज निकाली थी। इससे पहले M10, M20, M30, M30S और अब दोस्तों M31 जो है आ रहा है सैमसंग का। और दोस्तों आपको बता दूं, ये जो है Amazon एक्सक्लूसिव बन के आ रहा है इस बार भी। 25 फरवरी को ये जो है दोपहर के 12 बजे दोस्तों लॉन्च हो जाएगा। अब यार लॉन्च इवेंट ही जो है फिजिकल होगा या लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू होगा, ये अभी ऐसे कंफर्म नहीं है, बट ये यहां पे टोटली कंफर्मड है कि 25 फरवरी को आपको ये फोन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसकी जो मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन जो खुद जो है सैमसंग ने अपनी माइक्रो साइट पे जो है रिवील करी है, मैंने सोचा आपको बता देता हूं और इसमें क्या क्या चीजें जो है बाकी और हो सकती हैं वो जल्दी से जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो कंफर्म चीज है वो ये कि इस बार इसमें आपको 48 नहीं बल्कि आपको जो है बढ़िया 64 मेगापिक्सल का क्वैड कैमरा सेटअप यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। ये अच्छी बात है, आपको M30 M30S में जो है ट्रिपल कैमरा जो है वो देखने को मिलता था, बट यहाँ पे आपको जो है क्वैड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों फ्रंट साइड की, तो 6.4 इंच की फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं यहाँ पे इस बार भी आपको जो है वो U डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगी, मतलब कि वो जो नॉच होगी यू शेप्ड, उसी में दोस्तों समाया होगा इनका फ्रंट वाला जो है कैमरा। और फ्रंट में शायद से आपको 16 मेगापिक्सल या फिर हो सकता है दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाए, बट ये अभी तक ऐसा जो है वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। ये टोटली कंफर्म्ड है कि जो रियर कैमरा सेटअप जो है आपको रियर वाली साइड देखने को मिलेगा, वो दोस्तों ऐसे कुछ प्लेसमेंट होगी चारों कैमरास की, एल शेप प्लेस होंगे और 64 मेगापिक्सल आपको जो है वो प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 64 के अलावा जो है आपको 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के बाकी जो है 3 कैमरास देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो है वो ऑफिशियली जो कंफर्म्ड है वो ये कि इस बार जैसे कि आपको सैमसंग के M30 में 5000 mAh की बैटरी मिलती थी, इस बार जो है वो 5000 नहीं बल्कि उससे ज्यादा दोस्तों 6000 mAh आपको बैटरी जो है सैमसंग M31 में देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों टाइप सी का सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, ये सारी चीजें भी आपको जो है वो M31 में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करें अगर इसके प्रोसेसर की, यहां पे दोस्तों लीक्स ये निकल के आ रही है कि इस बार जो है आपको एक्सिनोस का 9611 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलेगा। 9611 से यार कोई और अगर दे देते थोड़ा सा अच्छा और इससे तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती, बट दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है लीक्स हैं प्रोसेसर की, अभी ये जो है कंफर्म नहीं है, एक बार ऑफिशियली जो है वो कंफर्म होने देते हैं कि कौन सा इसमें प्रोसेसर होगा, उसके बाद जो है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं इसमें जो है आपको एंड्रॉयड 10 जो है वो देखने को मिलेगा OS, बट उसके ऊपर दोस्तों रन हो रहा होगा सैमसंग का अपना One UI। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस फोटो में, इसमें जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो इन डिस्प्ले नहीं मिलने वाला। इस बार भी आपको जो है वो रियर साइड जो है वो फिंगरप्रिंट की जो है प्लेसमेंट है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो रियर वाली साइड आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं यहां पे आपको जो है टाइप सी तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहां पे जो है 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये फोन जो है आपको 3 कलर्स में देखने को मिल सकता है और 2 वेरियंट्स में। अब कौन कौन से 2 वेरियंट होंगे उनकी भी जो है बात कर लेते हैं। एक तो दोस्तों आपको जो है 4GB 64GB वाला वेरियंट और दूसरा जो है 6GB 128GB, ऐसे 2 वेरियंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर इसकी प्राइसिंग की, क्योंकि आपको पता है इससे नीचे जो है वो M30S है, उसके बाद M30 है, तो M30 की प्राइस तो इन्होंने जो है वो कम कर दिया है, बट M30S की जो है वो बरकरार है 13,000 के बीच में। तो ये फोन आप ये मान के चलिए कि यार 13,000 में अगर वो मिल रहा है तो ये जो है कम से कम जो है वो 14,999 का जो है वो लॉन्च होगा। 4GB 64GB वेरियंट, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। 64 मेगापिक्सल क्वैड कैमरा के साथ में, 6000 mAh बैटरी के साथ में, साथ ही साथ दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल के साथ में। अब दोस्तों बात करते हैं अगले वेरिएंट की, दूसरा वेरिएंट 6GB 128GB वेरिएंट, वो जो है अगर ये फोन जो है दोस्तों 4GB 64GB जो है 15,000 का लॉन्च होता है 14999, तो यहां पे दोस्तों जो 6GB 128GB होगा वो होगा दोस्तों 16999, यानी कि करीब करीब 17,000 का। बट
अगर यार सैमसंग कुछ कमाल कर देता है, एक तो प्रोसेसर कोई और दे दे अगर, और अगर इसकी प्राइसिंग जो है वो और कम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी अगर 1000 रुपये कम, यानी कि दोस्तों अगर 14,000 में ये फ़ोन जो है वो देखने को मिल जाए तो फिर यार क्या ही बात होगी, बिल्कुल यहाँ पे जो है हंगामा मच जाएगा और कड़ी टक्कर देगा अपने बराबरी वाले फ़ोन्स को। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा फ़ोन जो है वो तलाश रहे हैं कि अगर आपका जो प्राइस ब्रैकेट है वो 12,000 से 15,000 के बीच का है, तो थोड़ा सा यार 25 फरवरी तक का जो है वेट कर लो, क्योंकि अभी जो है वो और क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी वो आनी बाकी हैं। धीरे धीरे जो है वो सैमसंग अमेजन ये चीज़ें जो है वो रिवील करेगा और मैं जो है वो आपको बताता रहूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर से यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।